हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज किस वीडियो में हम कौन से दो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिनको कि आप अपनी वॉचेज में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जिन भी स्टॉक्स पर डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज के लिए होगा। इन स्टॉक्स में हमारी ओर से बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन स्टॉक्स में बाइंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक का नाम है GSFC लिमिटेड। इस स्टॉक को बाइंग की जा सकती है क्लोज अबव 158। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर भी होंगे 166 एंड 173 के। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो कि होगा 6 रुपीज़ नीचे 152 के लेवल पर, और इस स्टॉक में होल्डिंग टाइम रहेगा 1 to 4 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं GSFC लिमिटेड को चार्ट पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड, GSFC का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, ये स्टॉक अभी अपनी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं इस स्टॉक के आज के दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, इस स्टॉक के आज के दिन के जो वॉल्यूम थे इसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा के थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ट पर ड्रॉ सपोर्ट की ट्रेंड लाइन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने चार्ट पर सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। पिछले 3 महीने से इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन पर 2 बार सपोर्ट बनाया है। सबसे पहले इसने सपोर्ट बनाया था 24 फरवरी को। 24 फरवरी को सपोर्ट बनाने के बाद इस स्टॉक में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, और 3 महीने बाद इसने दूसरी बार सपोर्ट बनाया है 16 मई को। 16 मई को सपोर्ट बनाने के बाद अभी हमें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी इस स्टॉक को आप अपनी वॉचेज में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक हमें 158 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और नेक्स्ट डे इस क्लोजिंग के ऊपर आधे से घंटे सस्टेन करता है, तब इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 166 173, एंड स्टॉप लॉस आपका रहेगा 152 के लेवल पर। ठीक है फ्रेंड, ये तो था GSFC रिलेटेड का चार्ट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज का हमारा दूसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा दूसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है क्लोज अबव 324.90। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर भी होंगे 340, 354 एंड 364 के। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो कि होगा 16 रुपीज़ नीचे 308.90 के लेवल पर, और इस स्टॉक में होल्डिंग टाइम रहेगा 1 to 4 वीक। ठीक है फ्रेंड, आइए अब देखते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चार्ट पर ये कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फ्रेंड, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के आज के दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, इस स्टॉक के आज के दिन के जो वॉल्यूम थे इसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम के डबल से भी ज़्यादा के थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं चार्ट पर ड्रॉ सपोर्ट जोन की। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इस सपोर्ट जोन पर इस स्टॉक ने पिछले 3 महीने में 2 बार सपोर्ट बनाया है। सबसे पहले इसने सपोर्ट बनाया था 28 फरवरी को। 28 फरवरी को सपोर्ट बनाने के बाद इस स्टॉक में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, और अब सेकंड टाइम इसने 3 महीने बाद दोबारा से सपोर्ट बनाया है 16 मई को। 16 मई को भी सपोर्ट बनाने के बाद हमें इस स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को भी मिल रही है। अभी आप इस स्टॉक को भी अपनी वॉचेज में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक आगे आने वाले दिनों में 324.90 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है और नेक्स्ट डे उस क्लोजिंग के ऊपर आधे से घंटे सस्टेन करता है, तभी स्टॉक में बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 340, 354 एंड 364। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जिसका लेवल होगा 308.90 का। ठीक है फ्रेंड, ये तो था त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने कौन से दो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स पर डिस्कशन किया है। आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक था GSFC लिमिटेड का, और आज का हमारा दूसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक था त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ठीक है फ्रेंड, ये तो थे आज के हमारे दोनों स्विंग ट्रेड स्टॉक्स। अब आप इन दोनों स्टॉक्स को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही इनमें डिस्कस करेंगे लेवल्स आते हैं तब आप इनमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में 2 नए स्विंग ट्रेड स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।